हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्की यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Redmi की 9 सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता होगा। Redmi Note 9 आया था, Note 9 Pro है, Note 9 Pro Max है और बहुत सारे आपने यहाँ पर Note सीरीज के 9 देखे होंगे। बट जो सिर्फ Redmi की नंबर सीरीज है, मतलब Redmi 9 कब आने वाला है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत दिन से पूछ रहे थे। अब फाइनली इंडिया लॉन्च डेट में आपको बताने वाला हूँ क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे इंडिया में, सारी चीजों के बारे में एक ही वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सी बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये भी आज की हमारी तीसरी वीडियो है। दो टेक न्यूज आज के दिन यहाँ पर डाले धमाकेदार। सुबह में हमने डाले थे Redmi Note 10 और बाकी की न्यूज दिया था, फिर शाम में जो है हमने Realme V5 और बाकी की गर्मा गर्म न्यूज आपको दिए थे। नहीं देखे हो क्या करो, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में चेकआउट करो। दोनों यहाँ पर जो है टेक न्यूज का लिंक मैंने वहां पर नीचे डाल दिया, ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं Redmi 9 के ऊपर। तो Redmi 9 कंफर्म है, 99.9% कंफर्म है, वो मैं आपको बताता हूँ लॉन्च डेट के साथ में। तो आपको अमेजोन पे मैंने शाम वाली टेक न्यूज में बताया था कि Redmi की तरफ से यहाँ पर एक जो है डिवाइस बताया गया था कि मतलब जो है प्राइम डे सेल जो अमेजोन का आने वाला है 6 अगस्त 7 अगस्त के बीच में, तो उसमें यहाँ पर Redmi की तरफ से प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली यहाँ पर एक डिवाइस दिखाया गया था। अब अगर आप एक और यहाँ पर टीजर पोस्टर निकल के आए, अब यहाँ पर इसको क्लियरली देखते हो ना, डिटेल में ब्राइटनेस बढ़ा के देखना, तो आपको Redmi 9 देखने को मिलता है। चलो Redmi 9 की इमेज भी मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ गया। तो Redmi 9 जो है वो आपका 6 अगस्त को जो है Amazon एक्सक्लूसिव यहाँ पर प्रोडक्ट रहने वाला है। प्राइम मेंबर्स को यहाँ पर ये पहला आप बोल सकते हो हैंड्स ऑन या जो भी परचेस करने का ये लोग मौका देने वाले। तो 6 अगस्त Redmi 9 इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला है। मैं फटाफट से आपको यहाँ पर ये फोन के स्पेक्स और यहाँ पर फीचर्स वगैरह बता देता हूँ। बिलो डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो Poco X2 और Redmi Note 8 Pro जैसा आपको यहाँ पर बैक में कैमरा पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है ग्लास इस्तेमाल नहीं करा गया। ये आपको पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी देखने को मिलती है। Redmi की नंबर सीरीज में सारी पॉलीकार्बोनेट में ही आई थी, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन डिजाइन अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है 10,000 के अंदर की प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि यहां पर आपको 6.53 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले तो मिलता ही है, साथ में फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है 1080p का गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। तो मेरे हिसाब से एक थम्स अप यहां पर Redmi के लिए जाता है, क्योंकि जनरली अगर आप 10,000 12,000 के फोन आज की डेट में अगर आप देखते हो तो सिर्फ एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम रहता है। तो यहां पर आपको FHD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है, पहली बार नंबर सीरीज में है Redmi के। साथ में रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ग्लोबली बहुत सारी जगह पे 3/32 से यहां पर ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन इंडिया में आपको 464 से ही यहां पर ये स्टार्ट होते हुए दिखेगा, क्योंकि जो इसका प्रीडेसेसर आप बोल सकते हो Redmi 8 वो भी 464 से स्टार्ट हुआ था, तो वो लोग डाउनग्रेड तो नहीं करेंगे, वही लेवल पे 464 से स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, स्टोरेज टाइप जो है EMMC के आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको यहां पर स्टोरेज और सारी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें जो कि अगेन ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर रहने वाला है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि यहां पर आपको MediaTek की तरफ से Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। नार्जो 10 वगैरह में आपने इस्तेमाल करे होंगे, काफी बढ़िया गेमिंग चिपसेट आप बोल सकते हो, और 10,000 के नीचे अगर ये चिपसेट आता है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो आपको यहां पर प्रोवाइड करा देगा। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ में आपको बता दूं 1080p 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्स में शूट कर सकते हो। सेल्फी कैमरा यहां पर आपको जो है 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो कैमरास आप बोल सकते हो ये फोन का मुझे ऑन पेपर तो ठीक ठाक लग रहा है, वैसे जब आएगा डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है, और MIUI 12 के साथ में यहां पर ये देखने को मिलेगा लेटेस्ट वर्जन के साथ में। साथ ही में अगर हम यहां पर सेंसर्स की बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा, आयर ब्लास्टर का फीचर तो मिलता ही है, साथ में 3.5mm फोन जैक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन कोई भी निराशा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5020mAh की मॉन्स्टर बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है टाइप सी बोर्ड के साथ में। और लकी इनफ जो है Redmi की नंबर सीरीज में आपको जो है 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और बॉक्स में ही आपको जो है फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी का कॉम्बो भी यहाँ पर काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के ये पूरा पैकेज जो है आपको Redmi 9 में देखने को मिलेगा 6 अगस्त को इंडिया में।
प्राइस पॉइंट क्या आएगी इंडिया में। देखो चाइना वगैरह में तो बहुत चीप लॉन्च हुआ था, 8,500-9,000 ऐसी कुछ रेंज में लॉन्च हुआ था, तो इंडिया में जीएसटी और मतलब सारी चीज़ों का अगर आप पकड़ के भी देखते हो तो 10,000 के नीचे देखने को मिलेगा, मतलब बेसिकली 9,999 ऐसी कुछ प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगी। और 10,000 रुपये में अगर ये फ़ोन आ जाता है बहुत सारे लोग यहाँ पर इसे खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन अच्छा देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का है, एज वेल एज यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस हीलियो G80 की मिल रही है, कैमरा सभी ऑन पेपर दिख रहा है ठीक ठाक, वैसे टेस्ट आउट करेंगे तो वो आप बोल सकते हो ठीक पॉइंट लग रहा है, साथ में बैटरी लाइफ अच्छी है, सेंसर्स में कोई कमी करी गई नहीं है, आयर ब्लास्टर है और मतलब सारी चीजें, तो कुल मिला के काफी बढ़िया पैकेज लग रहा है। अगर आपका 10,000 रुपए के आसपास का बजट है तो डेफिनेटली आप ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हो, इंडिया लॉन्च का कुछ ही दिन रह गए आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये लेटेस्ट न्यूज मुझे आप तक के यहाँ पर पहुंचानी थी, आई होप के जो आपके सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो चुके रहेंगे। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर 10,000 रुपए में ये स्मार्टफोन आता है तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे, या इससे बेटर ऑप्शन आपको कुछ और लगता है मार्केट में मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कमेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।